मैं डॉक्टर सतीश कुमार, विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इन बोकारो जनरल हॉस्पिटल, और साथ में ही मैं सेक्रेटरी भी हूँ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया झारखंड चैप्टर का। आपको शायद पता हो कि मैं अभी कोरोना के एक मरीज के एक्सपोजर में आने की वजह से अभी क्वारंटाइन में हूँ, और ऐसा दरअसल कई जगह कई अस्पतालों में जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ऐसा एक्सपोजर की वजह से आना पड़ रहा है। 2 सप्ताह का ये क्वारंटाइन पीरियड होता है जब हमारा टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद जब वो निगेटिव आता है तो फिर से हम अपने काम पे लग जाते हैं। दोस्तों, 2-3 बातें मैं इस खाली वक्त में आपसे शेयर करना चाहता था। कई हमारे पेशेंट्स हैं जो कि डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट डिजीज है उनको, और उनको हमारी सलाह की जरूरत होती है ऐसे वक्त में। मैंने कई लोगों को अपना नंबर दे रखा है जिससे वो कभी भी चाहे तो बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जनरल बातें कि क्या करना चाहिए अभी के लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि हमारे कई पेशेंट्स हैं जो कि अभी जैसा उनको एक्सरसाइज करना चाहिए था वैसा नहीं कर पा रहे हैं, जैसा खान पान में जो हिदायत बरतनी चाहिए थी शायद वो नहीं हो पा रहा है, और कई लोग अक्सर चूंकि कई बैड न्यूज आ रहे हैं चारों तरफ से कोरोना के जो स्थिति है उसको देखते हुए देश विदेश से जब उनको काफी मृत्यु या ये सब का समाचार आता है तो वो दुखी भी हो जाते हैं, कई लोग अवसाद से डिप्रेशन से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए उस पे मैंने सोचा कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूं। दोस्तों, 2-3 चीज मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी के वक्त में ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जब हम लॉकडाउन में हैं, जब बाहर का एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम घर में कुछ एक्सरसाइज जरूर कर लें, ऐसा जरूरी है। एटलीस्ट जब हम सुबह उठते हैं तो 5 मिनट योगा या किसी और भी तरीके से जिसमें कि सारे ज्वाइंट्स का मूवमेंट हो, वो इवन बेड पे कर सकते हैं, नीचे एक्सरसाइज मैट पे कर सकते हैं फ्लोर पे, और लेकिन ये जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें घर के अंदर या छत पे ही, जितना टेरेस पे हम लोग चल सकते हैं वॉक कर सकते हैं वो करें, सीढ़ियों पे ऊपर नीचे चल के थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिनको ज्यादा एक्सरसाइज के लिए मना किया गया है ऑफकोर्स उनके लिए ये ठीक नहीं होगा, लेकिन जहां तक हो सके हम लोगों को फिट रहने का कोशिश करना है। खान पान में चूंकि कई चीजें ठीक से मुहैया नहीं हो पा रही हैं, फिर भी हम कोशिश करें कि हरी सब्जियों का जरूर सेवन करें इस वक्त, प्रोटीन किसी न किसी रूप में जरूर लें, वो हमारा इम्यूनिटी भी बनाए रखता है, और यदि खुदा न खास्ता कभी किन्हीं को कोरोना का इन्फेक्शन लग भी गया तो उससे लड़ने की क्षमता होती है, और ये तो पता ही है कि 80% से ज्यादा लोग इससे ठीक हो जाते हैं कभी कोरोना का इन्फेक्शन लगा भी तो बहुत घबराने और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ये फेज पार कर जाएगा और हम सभी अच्छे रहेंगे ठीक रहेंगे ऐसा हमारा मानना है। हमारे जो और दूसरे पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उन ये जरूरी है कि वो अपना दवा लेते रहें घर पे। ग्लूकोमीटर और बीपी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक जो बहुत आसानी से मिल जाता है कहीं भी, वो रखें, उससे अपना मॉनिटर करते रहें। कभी डाउट होता है, कभी कोई शंका होती है ज्यादा उसमें बढ़ा होना घटा होना, तो आपको इतने दिनों में तो खुद पता होगा कि क्या डोज कम या ज्यादा करना है। नहीं कोई डाउट है तो अपने जो भी डॉक्टर हैं जिससे आप दिखाते हैं, आजकल हर कोई परामर्श दे पा रहे हैं अपने पेशेंट्स को, आइदर थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस कॉल और इवन वीडियो कॉल पे भी, आप उनसे जरूर सलाह ले, और मैं अपने पेशेंट्स को कम से कम इतना आश्वस्त करता हूँ कि मैं उन्हें जब भी जहां भी संभव होगा मैं वो जारी रखूंगा।
कुछ बीच में भ्रांतियां आई थी वैसे पेशेंट्स के लिए कि एसिनिबीटर जैसे जिसमें प्रिल वाली दवा होती है, रैमिप्रिल या फिर और भी सार्टन वाली जो दवा होती है जिनको हम लोग एआरबी बोलते हैं, एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जैसे लोसार्टन है, टेलमिसार्टन है, तो इसके बारे में क्या किया जाए? क्योंकि ऐसा बोला गया था कि वो चूंकि ये इनके रिसेप्टर के थ्रू काम करता है कोरोना वायरस, लेकिन बाद में देखा गया कि ये इससे नुकसान नहीं होता जो लोग वो दवाइयां ले रहे हैं, बल्कि फायदा ही होता है शायद, तो वो कंटिन्यू रखे, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। कुछ जिनको मान लीजिए कभी इन्फेक्शन हो जाता है या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको प्रिवेंशन के लिए कई बार एचसीक्यूएस दवा एडवाइज की गई है और खास करके एजिथ्रोमाइसिन भी कई बार ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें एक देखा गया है कि उससे क्यूटी प्रोलोंगेशन होता है उनके ईसीजी में, और कई बार कुछ गंभीर हार्ट के रिदम की गड़बड़ियां आ सकती हैं जिसको वीटी बोलते हैं या टॉर्सैट्स डी पोंटी बोलते हैं, तो वैसे स्थिति में भी वो भी सचेत रहने की जरूरत है, और कई बार एक बेसलाइन ईसीजी करने की आवश्यकता है वैसे लोगों को जिनको वो लेना है या एडवाइस किया गया है। वैसे जब भी एडवाइस किया जाता है तो उसके लिए जो जरूरी जांच होता है वो होता ही है, और आपके डॉक्टर जरूर सजेस्ट करेंगे वैसा। दूसरा चीज, कुछ मैं एक्सरसाइज के बारे में बता रहा था तो इम्पोर्टेंट है कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे अनुलोम विलोम और इसी तरह का और भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसमें कि हमारे श्वसन प्रणाली सुचारू रूप से रहे वो जरूरी है कि कंटिन्यू करें। और जहां तक इसका सवाल है कि हाँ, हम अपनी दिनचर्या में एक दो चीज अभी को याद रखना जरूरी है, खास करके वैसे सिचुएशन में जब निगेटिविटी बहुत आ रही है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की बातें होती हैं जो कि बहुत अच्छा नहीं है, न सिर्फ समाज के लिए बल्कि हमारे सेहत के लिए भी, तो वैसे समाचारों से जितना हो सके दूर ही रहें, अननेसेसरली कॉन्फ्लिक्ट वाली चैटिंग से दूर रहें। जब भी सुबह उठे तो जो भी आप ईश्वर में जिनमें भी विश्वास करते हैं उनको जरूर धन्यवाद करें कि हमारा समय सही गुजरा या एक अच्छी सुबह के लिए, और 1 घंटा कम से कम न्यूज की तरफ ना देखें, क्योंकि हम हमेशा हमारे मोबाइल हाथ में रहता है आज और तुरंत कोई ना कोई न्यूज आता रहता है, तो अभी एक तो जितने नोटिफिकेशंस हैं उसको बंद कर दें, उससे अनसरली आप हमारा एड्रेनलिन लेवल हाई रहता है, कई बार अच्छी खबरें भी आती हैं, कई बार बुरी खबरें आती हैं, अभी के समय में अधिकतर बुरी खबरें आती हैं, सो वो हमें ध्यान रखना है कि वैसे कम से कम सुबह में जिस वक्त हम उठते हैं आधे 1 घंटे के लिए वैसा ना सोचे, अपने उठ के अपने क्रियाकर्म से निवृत्त होके कम से कम थोड़ा सा ध्यान या मेडिटेशन जरूर कर लें, जिन पे भी विश्वास करते हैं आप उनको याद कर लें, और उससे के बाद अपना दिनचर्या शुरू करें, रूटीन को चेंज ना करें, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि बहुत देर तक क्योंकि काम बहुत कम है, घर में पड़े हैं तो रूटीन बहुत गड़बड़ होने की संभावना होती है, उसको ना करें, क्योंकि इसके बाद फिर से हमको अपने काम पे लौटना है और उसी एनर्जी के साथ लौटना है, तो हम उसको ये जरूरी है कि हम लोग ठीक से अपना रूटीन बनाए रखें, समय पे अपना ब्रश वश कर लें, समय पे शेव कर लें जो करते हैं, स्नान कर लें, और आपको पता ही है कि हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है अभी के वक्त में, तो इसको हम लोग जारी रखें, और सोते समय भी बहुत देर तक टीवी ना देखें, बहुत जो जो वैसी मूवीज जो कि बहुत डरावनी मूवीज या फिर बहुत वैसे प्रोग्राम जो कि जिसमें बहुत बुरा न्यूज़ होता हो, बहुत खराब होता हो, वो देख कर ना सोए तो बेहतर है, अच्छी नींद आएगी, 6-7 घंटा का नींद जरूरी है दिन और रात मिला के, तो ये सब उम्मीद है कि यदि हम लोग ऐसा
करें तो एक बेहतर समय व्यतीत कर पाएंगे और हम फिर से पूरी जोश खरोज के साथ उतने ही स्वस्थ होके फिर से ये जो कोरोना का अभी एपिडेमिक चल रहा है इसके गुजरने के बाद हम उतने ही जोश खरोज के साथ फिर से अपने काम में करेंगे, फिर से अपने दोस्तों से उतने ही प्यार से मिलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू हेल्दी एंड वेरी आई मीन प्रोडक्टिव। और हाँ, यदि कोई कुछ शौक रखते हैं कोई लोग, जैसे जो कोई लेखक हैं या कोई चित्रकार हैं या कम भी नहीं भी हैं चित्रकार, तो यदि बहुत चीज नई चीजों को सीखने का भी मौका मिला है इस वक्त इस लॉकडाउन में, सो वो भी कर सकते हैं। तो सारी शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, थैंक यू।